क्षेत्रीय क्षत्रपों के अस्तित्व की और राज्यों में ताकत की लड़ाई है। तीसरे मोर्चे की तैयारियों के बीच भले ही कांग्रेस ही पावर में रहे, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व भी कायम रहे। ममता से लेकर नीतीश कुमार और अखिलेश ने सियासत की यही गोटी फेंक दी है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा में घेरने के लिए विपक्षी दल गठबंधन की तैयारी कर रहा है और विरोधी पार्टियों को एक बनाकर भाजपा के सामने खड़ा करने की ये कोशिश नीतीश कुमार की रंग ला रही है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेता अब गठबंधन के स्वरूप, उसके नेतृत्व और सीट के बंटवारों की बात करने लगे हैं। अब इस तीसरे मोर्चे की शुरुआत में ही अखिलेश ने यह पासा फेंक दिया है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, उस राज्य में गठबंधन का वर्चस्व उसी पार्टी का होगा। और इस तीसरे मोर्चे की तैयारी देखकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व अपने नेता से करवाना चाहेगी। तो वहीं अखिलेश का फॉर्मूला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, उस राज्य में उसी पार्टी का वर्चस्व होगा, यानी गठबंधन एक, नेता अनेक। लेकिन अगर कांग्रेस इस गठबंधन के लिए राजी नहीं हुई तो तीसरे मोर्चे की तैयारी पर पानी फिर जाएगा। सोमवार को ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 200 सीटों से लड़ने की सलाह दी और कहा कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसका समर्थन करे। ममता ने कहा जिस राज्य में कांग्रेस मजबूत है वो भाजपा के खिलाफ लड़ेगी और बाकी पार्टियां कांग्रेस का समर्थन करेंगी, लेकिन फिर कांग्रेस को भी दूसरे राज्यों की मजबूत पार्टी का समर्थन करना होगा। तो वही विपक्षी एकता और मजबूत पार्टी के वर्चस्व को लेकर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि जिस प्रदेश में जो दल मजबूत हो उसी का समर्थन किया जाए, और इस बात से नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव और बाकी पार्टियां भी सहमत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।